इतने सारे प्याज पड़े थे सब फिर मैंने उठा के अरे एक बार थोड़ा इधर सकल थोड़ा से इस तरफ चेहरा दिखता है। हाँ हाँ अरे देख दुखी हूँ थोड़ा कि जा रहे हैं, ये 10 दिन कैसे गए बिल्कुल भी पता नहीं चला, और बस वो आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे कि जा रहे गणपति। थोड़ी सी सैड हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल तक तो जल्दी आ। वेल हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरीके से सभी सिनेरियो थे, लाइक जिस तरीके से धूम धड़ाका होता था, लेकिन कोरोना की वजह से ये सभी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन ये साल जितने एक्साइटेड हैं सभी लोग, और आपके घर पे भी बाबा आए हैं, क्या कुछ तैयारी की थी बाबा के लिए और पूरे हम आई मेक श्योर कि जितने भी साल हो जितने भी साल गणपति हम रखे पूरे धूमधाम से रखे। जैसे कोविड के भी टाइम पे हमने गणपति रखे थे, इस नॉट दैट कि हमने नहीं रखे थे, एक भी साल मिस नहीं होने दिया। आई थिंक इट्स बीन 24 या 25 ईयर्स सिंस हम गणपति रख रहे हैं, तो हमने मिस नहीं होने दिया कभी भी ऐसा कि हम गणपति ना रखे कोविड है या ये या वो है, तो वी मेक श्योर कि गणपति हमेशा आए घर। वेल हम देख रहे हैं कि लाइक बाबा का जो डेकोरेशन आपने किया है काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली बाबा का जो पगड़ी है एंड लाइक पूरे जो क्लोथिंग एंड ऑल बहुत। इनको ढूंढने में सुबह के 3 बजे थे, मुझे अभी भी याद है, मैं और मम्मी रोज़ जाते थे सुबह के 3 बजे तक हम लोग बाबा को ढूंढते थे और फाइनली ये मिले। हर रूप इनका सुंदर है बट मेरे पापा सबसे सुंदर है। आपके लिए कितना मतलब कि गणपति तो रहते हैं विघ्नहर्ता, बट आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता है या कोई आपकी प्रॉब्लम? आई थिंक मेरे मॉम एंड डैड, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनके साथ रहती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एकदम से वो आ जाते हैं। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, शूटिंग पर भी जब मैं जाती हूँ कोई ना कोई घर पर होता है, सो या माई पेरेंट्स। गणपति जी आज जो है आपके घर पर आज कौन कौन आने वाला है, विसर्जन का लेने कुछ बताएंगे? आने वाले हैं आई थिंक हेली आने वाली, हेली शाह, तानिया शर्मा, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, बाकी सारे रिलेटिव्स आएंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जब पापा आते हैं तो इन पूरे जितने दिन भी होते हैं हम अलग अलग तरीके के नेवेद चढ़ाते हैं, एंड आपने तो ये भी कहा है कि लाइक 25 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये साल पापा के लिए क्या कुछ अमेजिंग लाइक बनाया आपने? मैंने डेकोरेशन में काफ़ी हेल्प की जो मैं हर साल करती हूँ, और मोदक बनाने की कोशिश की थी, झूठ नहीं बोलूँगी, बन नहीं पाया बट जितना मुझसे होता है जितना मुझे आता है मैं डेफिनेटली करती हूँ। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अब तक जो भी सीरियल्स में आप आई हैं सभी ने लाइक फैंस ने इतना प्यार दिया है, साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे? सबसे बड़ी तो ये बात है कि मैं काफ़ी टाइम से टीवी से दूर हूँ, लेकिन इतने प्यार और इतना सपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा, फिर भी मुझे याद रखते और पूछते मेरे बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है। वेल साथ ही कोई प्रोजेक्ट आप शेयर लाइक बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से रियलिटी शोज आ रहे हैं स्पेशली बिग बॉस के, ओह गॉड, लाइक फैंस जो होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं कि इस साल क्या होगा, कौन देखने मिलेगा, लाइक लेट्स सी क्या होता है। मैंने तो फिल्म साइन की है तो उसका शूट है मेरा अक्टूबर में, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर दैट। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि गणपति में हमेशा हम देखते हैं लड़कियों का स्पेशली रहता है कि ट्रेडिशनल लुक एंड जो अटायर होता है वाकई हर दिन अलग अलग होता है, आज के अटायर के बारे में जानेंगे? कुछ नहीं, मैं ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ, जस्ट वेयरिंग अ नाइस स्पेशली जयपुर से आया है। सभी फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग आए यहाँ पे,
मेरे पापा के दर्शन किए आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आते रहिए. लव टू ऑल माई फैंस एंड कीप लविंग मी. थैंक यू. कुछ मत पूछो कि आप फोटो फोटो ले सकते हैं, इतने पूछते हैं. तुम मेरे में घुसोगे? Jai Ganesh, Jai Ganesh.
सॉरी स्किप करो भाई डांस करेगी बाप और बेटे की जोड़ी हो गया।
मेंबर